मॉलिक्यूल में बेटा दो फ्लोरीन एटम हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, 9 9, ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p5। इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 and 2p5। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपको 18, यानी कि F2 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, F यानी कि 18। अब आप देखो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बिल्कुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जैसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होगी, σ2pz और σ2s में sp मिक्सिंग नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये सिंपल डायग्राम है, अगर O2 का आपने क्लियर कर लिया, O2 समझ लिया, तो इसमें भी कुछ नहीं है। बस यहाँ पे क्या है बेटा, अगर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो F2 में कितने हो गए, F2 में 18 हो गए, बस उसको फिलअप कर देना है, बाकी उसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग वो सब आप बता सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर F2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ये तो हमने बना दिया, ये तो हमने एटम का बनाया हुआ है, ये फ्लोरीन एटम हो गया, ये भी फ्लोरीन क्या हो गया, एटम हो गए, और ये क्या है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें बिना स्टार वाला क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार वाले क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है, भरिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब फ्लोरीन में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा, फ्लोरीन में सभी इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, आपके पेयर्ड में हैं, जोड़े में हैं। तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, यह डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यानी कि अब हम इसको पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप फार्मूला से निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग से तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं आएगा, केवल बिना स्टार वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाला, 1 2 स्टार वाला ही गिनिएगा केवल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया, यानी कि π*2px π*2py में दो दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि O2 में क्या थे, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन था। सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 क्या है, 1 पाई है कि सिग्मा है, ये सिग्मा है कि पाई है, इससे हमको पता नहीं चल रहा है। तो आइए हम अपना कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से इसके बॉन्डिंग को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब -1, यहाँ +1 यानी 1 बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे क्या है, +1 एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी क्या है, +1 बॉन्ड बनेगा, +1 बॉन्ड बनेगा, और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर -1 -1 बॉन्ड बनेगा, मतलब कि एक एक बॉन्ड टूटेगा, यानी यहाँ भी क्या हो गया -1, यहाँ भी क्या हो गया -1। तो जाहिर सी बात है, देखो ये कैंसिल हो गया 1s, ये सब कैंसिल हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम इससे निकाल लें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम पूरा शुरू से बता दें, लिख के बता रहे हैं, +1 -1, ठीक ये हो गया, इसके लिए आइए 2s में, +1 -1, ठीक है। अब आइए ऊपर, +1 कौन सा है, सिग्मा, +1 किसका है, पाई का, +1 किसका है, पाई का, और -1 किसका है, पाई का, और -1 किसका है, पाई का। देख लीजिए -1 -1 है ना, और ये +1 +1 है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखो ये गया +1 -1, ठीक है, ये +1 -1 +1 और ये -1 था, सॉरी ये माइनस लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इससे अपने से भी कर सकते हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक। तो +1 -1 +1 -1 ये कट गया, फिर देखो +1 सिग्मा, तो +1 सिग्मा कौन सा है बेटा, पी का है,
तो यहाँ क्या है, प्लस प्लस ये प्लस वन पाई है, प्लस वन पाई है, माइनस वन पाई है, माइनस वन पाई है, तो उड़ गया पूरा। तो ले दे के बचा क्या आपके पास, ले दे के आपको बचा यहाँ पर वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका जो मैग्नेटिक करेक्टर होगा, मैग्नेटिक करेक्टर, इसका मैग्नेटिक करेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक। तो इस तरीके से और भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी बताना हो, F ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है कि F2 रखता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्लोरीन की एनर्जी लेवल ये है, यहाँ एनर्जी लेवल में यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और F2 में एनर्जी लेवल यहाँ है, तो जाहिर सी बात है इसके इलेक्ट्रॉन का निकालना ज़्यादा ईजी है, इसके इलेक्ट्रॉन का निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, F2 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसी में ही आपको नियॉन मॉलिक्यूल बता देता हूं। नियॉन मॉलिक्यूल्स कुछ है नहीं, बस इसके जस्ट आगे का है। अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, जरा देखें तो नियॉन मॉलिक्यूल। तो नियॉन मॉलिक्यूल्स में अगर देखें तो नियॉन में बेटा क्या होता है, नियॉन में एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा, इसका भी 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6 1s2 2s2 एंड 2p6। तो करना क्या है यहाँ पर, यहाँ फ्लोरीन को हटा दीजिए और यहाँ पर नियॉन लिख दीजिए, यहाँ फ्लोरीन हटा दीजिए, यहाँ पर नियॉन लिख दीजिए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 10। यहाँ पे p6 कर दिया, यहाँ पे 2p6 कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और यहाँ F2 जगह क्या बनाना है आपको, नियॉन मॉलिक्यूल बनाना है, तो दो इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 20। तो 20 हो गए, तो यहाँ तक तो 18 भरा था आपने, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो भरा था, अब दो इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए तो कहाँ पहुँच गए, एंटी बॉन्डिंग में। अब क्या होगा, अब इसका निकालना है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, अच्छा एंटी बॉन्डिंग में गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया ना, तो यहाँ एक माइनस और कर दीजिए, माइनस सिग्मा, ठीक है। अब क्या करोगे, जो ये प्लस सिग्मा फ्लोरीन बच गया था, अब वो भी क्या होगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये भी यहाँ पर कट जाएगा, तो ले दे के इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा, कोई बॉन्ड ही नहीं बचा इसमें, ऊपर से लेके नीचे तक सब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हैं, तो मतलब कोई बॉन्ड नहीं बचा, तो इसका मतलब नियॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नियॉन मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपके मिलेगा नियॉन एटॉमिक फॉर्म में ये मिलता है। क्यों मिलता है, जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो नियॉन और नियॉन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं प्रेजेंट है, तो नियॉन हमेशा किस फॉर्म मिलेगा, एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, ये अलग अलग रहेंगे अपने, ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, 1s से लेकर 2p तक हम देख लिए, सबके सब कट पिट गए, सबके सब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो नियॉन मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए नियॉन मॉलिक्यूल नहीं मिलता, नियॉन एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। O2 वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था, O2 का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बाकी ये सब तो उसी का आगे की कड़ी है, उसी के आगे की चीजें हैं, जो आसानी से देखो यहां पर आपने उसको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, जो आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे NO का केस क्या होगा, CO का केस क्या होगा, HF का केस क्या होगा,
इनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिए। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया कोई भी एग्ज़ाम हो बेटा, कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा और इसी से आप एक्सप्लेन करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए आ जाए तो यही ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, इसी डायग्राम से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पता है जैसे 1s2, 1s, 2s, 2p लिखते हैं ना, वैसे इसका भी लिख सकते हो, मालिक्यूल का भी लिख सकते हो। सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2s, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s आएगा, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, ये सब आराम से लिख लोगे। जब डायग्राम सीख लिए तो ये सब छुटपुटिए हो गए, ये सब छोटे मोटे चीज़ हो गए, ये सब आप कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे भी। तब तक लिए इतना अच्छे से तैयार कर